सब्सक्राइब कीजिए श्यामा टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, अगर आप लोगों को करोड़पति बनना है तो आप लोग कर सकते हैं सफेद चंदन की खेती और कमा सकते हैं करोड़ों में। फ्रेंड्स, मात्र एक एकड़ खेत में 4,80,00,000 रुपए तक की मोटी कमाई कराने वाली सफेद चंदन की खेती किसानों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित हो रही है। इसकी खास तरह की खुशबू और इसके औषधीय गुणों के कारण भी इसकी पूरी दुनिया में भारी डिमांड है। इसकी 1 किलो लकड़ी 10,000 रुपए तक में बिक रही है। इसी 1 किलो लकड़ी की कीमत विदेशों में तो 20,000 से 25,000 रुपए तक है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग रोज रात इस चंदन के तेल से सिर को अच्छे से मालिश करेंगे तो 6 दिन में आपके सिर पर नए बाल उगने लगते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर में भी इस चंदन का उपयोग काफी ज्यादा लाभदायक साबित होता है। इसकी कुछ बूंद दूध में डालकर रोज पीने से ब्लड प्रेशर हमारा संतुलित हो जाता है और इसके तेल से मालिश करने से हमारी मांसपेशियों की ऐंठन भी दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसकी खेती करके करोड़ों में कमा सकते हैं। आप लोग इसकी खेती कैसे करें, इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे बताने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, चंदन की खुशबू हर किसी का मन मोह लेती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहद बढ़ती मांग और सोने जैसे बहुमूल्य समझे जाने वाले चंदन की ऊंची कीमत होने के कारण भविष्य में चंदन की खेती करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है और देशों के तुलना में भारत में पाए जाने वाले चंदन के पेड़ में खुशबू और तेल का प्रमाण सबसे ज्यादा है। इसी वजह से भारतीय चंदन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी मांग है। भारत में चंदन रसदार लकड़ी की कीमत 5,000 से 12,000 रुपए प्रति किलो है, बारीक लकड़ी 50 रुपए किलो है। फ्रेंड्स, सफेद चंदन मूल रूप से भारत में पाए जाने वाला पौधा है। भारत के शुष्क क्षेत्रों पर्वतमाला से लेकर दक्षिणी विशेष रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु में यह पाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की जमीन चंदन की खेती के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यह इंडोनेशिया, मलेशिया के हिस्सों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है। चंदन एक परजीवी वृक्ष है। इस पौधे की जड़ें हास्टोरिया के सहारे दूसरे पेड़ों की जड़ों से जुड़कर भोजन, पानी और खनिज पाती रहती है। चंदन से दूसरी फलों पर कीटों का असर कम और पैदावार अच्छी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सफेद चंदन की खेती के लिए आप लोगों को कैसी भूमि की जरूरत होती है। चंदन वृक्ष मुख्य रूप से काली लाल दोमट मिट्टी, रूपांतरित चट्टानों में उगता है। खनिज और नमी युक्त मिट्टी में इसका विकास कम होता है। ये वृक्ष उथले चट्टानी मैदान, पथरीली बजरी मिट्टी, चूनेदार मिट्टी सहन करते हैं। कम खनिज युक्त मिट्टी में चंदन तेल की उपज बेहतर होती है। समुद्र से 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर यह अच्छा पनपता है। किसी भी प्रकार के जल जमाव को यह वृक्ष सहन नहीं करता है। चंदन 5 से 50 सेल्सियस तापमान में भी आता है। 7 से लेकर 8.5 पीएच मिट्टी की किस्म में इसको उगाया जा सकता है। 60 से 160 सेंटीमीटर के बीच वाले वर्षा क्षेत्र चंदन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इससे दलदल जमीन पर नहीं उगाया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, चंदन की खेती के लिए हमें किस तरीके से भूमि की तैयारी करनी होगी वो भी जान लेते हैं। उचित जल की व्यवस्था हो तो साल में भी आप लोग चंदन की खेती कभी भी लगा सकते हैं। पेड़ लगाने से पहले गहरी जुताई की आप लोगों को आवश्यकता होती है। 2 से 3 बार जोतकर मिट्टी क्षमता को बढ़ाया जाता है। 2×2 फीट का गड्ढा बनाकर उसे सूखने दिया जाता है और कंपोस्ट खाद का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। 10 से 10 फीट की दूरी पर पेड़ लगाए जाते हैं। 1 एकड़ जमीन पर आप लोग 435 पेड़ लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके लिए कैसे खाद और कैसी सिंचाई प्रबंध होनी चाहिए वो भी जान लेते हैं। इसे अधिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। शुरुआती दिनों में फसल वृद्धि के दौरान खाद की आवश्यकता इस वृक्ष को होती है। मानसून में वृक्ष तेजी से बढ़ते हैं पर गर्मियों में इसको सिंचाई की काफी ज्यादा जरूरत होती है। आप लोग ड्रिप विधि से भी सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता और मौसम पर निर्भर करती है।
शुरुआती दिनों में मानसून के बाद दिसंबर से मई तक इसकी सिंचाई करनी आवश्यक होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसकी कटाई तुड़ाई फसल कटाई का समय क्या होता है वो भी जान लेते हैं। चंदन की जड़ें बहुत ही ज्यादा सुगंधित होती हैं, इसीलिए वृक्ष को जड़ से उखाड़ा जाता है ना कि काटा जाता है। चौथे साल से रसदार लकड़ी बनना शुरू होती है। चंदन की लकड़ी में दो भाग होते हैं, एक रसदार लकड़ी और एक सूखी लकड़ी। दोनों की कीमत अलग अलग होती है। जब वृक्ष लगभग 12 से 15 साल पुराना हो जाता है तब लकड़ी प्राप्त होती है और पेड़ के जीवन पर्यंत पर प्राप्त होती रहती है। जड़ से उखाड़ने के बाद पेड़ को टुकड़ों में काटा जाता है और डिपो में रसदार लकड़ी को अलग किया जाता है। फ्रेंड्स, चंदन धीरे धीरे बढ़ने वाला पेड़ है, इसीलिए समुचित जल प्रबंध करने पर जैसे ठिबक सिंचन इस्तेमाल कर हर साल पेड़ के तने का घेरा 12 सेंटीमीटर से बढ़ा सकते हैं। आज चंदन की लकड़ी का मार्केट रेट 6000 से 12000 है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी फार्मिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोग सफेद चंदन की खेती जरूर करें, क्योंकि इसकी खेती करके आप लोगों को काफी ज्यादा मुनाफा होगा। तो आप लोग भी फ्रेंड्स देर न करें, अगर आप लोग किसान हैं और आप लोग खेती करना चाहते हैं तो आप लोग सफेद चंदन की खेती जरूर करें। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।